हेलो, यू नो व्हाट, कल मैं अपनी आईएलटीएस की ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी स्टूडेंट्स की, और जब मैं उनको आईएलटीएस का राइटिंग मॉड्यूल करवा रही थी, सो आई फाउंड कि वो स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस्टेक कर रहे हैं राइटिंग में। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, मैं लिखवा कुछ और रही थी पर वो लिख कुछ और रहे थे, वो अपने स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स कर रहे थे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि वेदर वर्ड मैं उनको लिखवाना चाहती थी, मैं वेदर वर्ड लिखवाना चाहती थी डब्ल्यू एच ई टी एच ई आर वाला, और वो लिख रहे थे डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर वाला। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मैम जो मिस्टेक बता रहे हैं वो मिस्टेक्स तो हम भी बहुत बार करते हैं, मतलब हमें भी नहीं पता कि वेदर और वेदर में डिफरेंस क्या है। सो मैंने सोचा कि अगर वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऐसी मिस्टेक करते हैं राइटिंग में, तो मुझे लगता है कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर बनानी चाहिए। सो दिस इज श्वेता, your IELTS trainer, and you're watching Sacred English Academy channel. And today I'm going to discuss about confusing pairs of words. So let's begin. The first pair of word is cattle and kettle. Cattle and kettle, ये है क्या? मतलब मुझे तो एक ही kettle के बारे में पता है, वो है शायद चाय की केतली, पर ये दूसरा kettle क्या है? I think आप लोग भी कुछ ऐसे ही confused होते होंगे कि कैटल और कैटल में फर्क क्या है। चलिए मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करती हूँ। पहला वाला कैटल मतलब जिसका स्पेलिंग है सी ए डबल टी एल ई, इसका मतलब है पशु। पशु मतलब एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनको रखा जाता है फॉर मिल्क मीट, या फिर दे आर द बीस जो कि रखे जाते हैं फॉर बर्डन मतलब भार को ढोने के। तो उन जानवरों को, उन एनिमल्स को हम जो उनके झुंड को, उनके ग्रुप ऑफ नंबर को, उनको हम लोग बोलते हैं कैटल। जो दूसरा कैटल है उसको बोलते हैं चाय की केतली, मतलब कि चाय को बनाकर उस कैटल में रखा जाता है ताकि वो जो चाय है वो कुछ देर के लिए गर्म रहे। तो ये था डिफरेंस बिटवीन कैटल एंड कैटल। आगे से आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कैटल कैटल शायद एक ही है, इनके स्पेलिंग कोई फर्क नहीं है, या फिर इनका मीनिंग भी सेम है, बल्कि दे बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग। कैटल मींस पशु एंड कैटल मींस चाय की। सो कैटल और कैटल के सेंटेंसेस अभी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कैटल की। इसका सेंटेंस है द कैटल वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। सेकेंड आता है कैटल, आई वॉज पोरिंग द टी इन टू द कप फ्रॉम द कैटल। सो चलिए अब बात करते हैं सेकेंड पेयर ऑफ वर्ड की, दैट इज प्रे। आई थिंक आप में से सब लोग जानते होंगे कि प्रे का मतलब क्या होता है। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, मतलब टू प्रे टू गॉड। पर क्या आप सब लोगों को ये पता है कि प्रे के स्पेलिंग क्या है? पी आर ए वाई या फिर पी आर ई वाई? आई नो आप सब लोग इस टाइप पे कंफ्यूज हुए हैं कि पी आर ए वाई इसका स्पेलिंग है या फिर पी आर ई वाई इसका स्पेलिंग है। चलिए मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करती हूँ। पहला वर्ड पी आर ए वाई, ये ही प्रार्थना करना होता है, और जो सेकेंड वर्ड है पी आर ई वाई, इसका मतलब होता है शिकार। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि बड़े एनिमल्स का शिकार बन जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल डियर, डियर लायन और टाइगर का शिकार होता है। तो यहाँ पे प्रे कौन सा हुआ? प्रे हुआ डियर। सो चलिए इसका सेंटेंस के साथ आपको डिस्कस करके बताती हूँ। सबसे पहला वर्ड था प्रे, आई वॉज प्रेइंग टू गॉड यस्टरडे इवनिंग, एंड सेकेंड प्रे का पी आर ई वाई का सेंटेंस है द डियर वॉज प्रे ऑफ द टाइगर। यू नो आई एम सुपर एक्साइटेड। जानना चाहोगे मैं क्यों एक्साइटेड हूँ? एक्साइटेड इसलिए हूँ बिकॉज फेस्टिवल्स का सीजन आ रहा है। आई मीन देयर इज दशहरा, देयर इज दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर एंड मेनी मोर फेस्टिवल्स। सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी मच एक्साइटेड, बिकॉज शॉपिंग करनी है, बहुत सारी मिठाइयाँ खानी है, लॉट ऑफ थिंग्स टू ईट, एंड बाहर घूमने के लिए जाना है। दैट इज व्हाई आई एम सो एक्साइटेड। अच्छा, मैं पिछले दिनों में ना आई वॉज लुकिंग ऑन द कैलेंडर कि कौन सा फेस्टिवल किस दिन आ रहा है। अच्छा, क्या आपको कैलेंडर के स्पेलिंग आते हैं? आई मीन क्या कैलेंडर सिर्फ एक ही है या कोई और भी कैलेंडर है? चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगी पहले कैलेंडर को, जिसके बारे में मैं बता रही थी कि मैं वहां से डेट्स, मंथ्स ये सब लोग चेक कर रही थी, ये सब चीजें मैं चेक कर रही थी। सो पहला कैलेंडर है सी
कैलेंडर जो कि हम अपने घर पे लगाते हैं वॉल्स के ऊपर, ये चेक करने के लिए कि कौन सा डे कौन से मंथ में या फिर कौन सा फेस्टिवल कौन से डे को आ रहा है, ये चेक करने के लिए। अब सेकंड टाइप का भी कैलेंडर है, पता है कौन सा? सेकंड कैलेंडर की स्पेलिंग है CALENDER। इस कैलेंडर को बोलते हैं कपड़ों को आयन करना, हिंदी में कपड़ों को इस्त्री करना। तो आई थिंक ये वर्ड सच में आप लोगों के लिए न्यू होगा, बट आप अपने आप में कंफ्यूज मत हो जाना कि उस कैलेंडर के और इस कैलेंडर के स्पेलिंग एक है। नहीं, दोनों में फर्क है। पहले कैलेंडर में एंड में AR आता है और दूसरे कैलेंडर में एंड में ER आता है। सो चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। पहले कैलेंडर का जो सेंटेंस है, आई वॉज चेकिंग द डेट ऑफ दिवाली ऑन द कैलेंडर। सेकेंड कैलेंडर का सेंटेंस, मदर प्लीज सरेंडर माई क्लोथ। नाउ द वर्ड इज एडवाइस एंड एडवाइस। एक जैसा लगा आपको क्या? सबको एक जैसा लगता है, बट पहला वर्ड है ADVICE। एडवाइस का मतलब सलाह, और दूसरा वर्ड है ADVISE। इस एडवाइस का मतलब है सलाह देना। अब इसको याद कैसे रखें? आपको मैं एक सिंपल मेथड बताती हूँ इसको याद रखने का। जो मैंने सेकंड वर्ड बोला एडवाइस, उसके बीच में एस आता है। आप ये अपने माइंड में लगा सकते हैं कि जो भी एस नाम के लोग होते हैं ना, वो बड़े सलाह देते हैं लोगों को। मतलब कि हाँ, आप लोग सोच रहे हैं मैम आपका नाम भी तो ऐसे स्टार्ट होता है, सो यू कैन ऑल्सो कंसिडर कि श्वेता मैम बहुत सलाह देते हैं लोगों को। सो यू कैन रिमेम्बर दिस वर्ड कि सलाह देना, मतलब उसके लिए आप स्पेलिंग याद रख सकते हैं ADVISE। चलिए, पहला वाला वर्ड था ADVICE। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सी नाम के जो बंदे हैं ना, सी नाम के जो लोग हैं, वो ज्यादा एडवाइस नहीं देते। सो यू कैन रिमेम्बर दैट वर्ड कि एडवाइस का मतलब सिर्फ सलाह होता है, सलाह देना नहीं होता। सो चलिए हम सेंटेंसेस के साथ इसको समझते हैं। पहला वर्ड है ADVICE एडवाइस। ही एक्टेड अपॉन माई एडवाइस, इसका मतलब है उसने मेरे सलाह के ऊपर काम किया। सेकेंड वर्ड था ADVISE, इसका सेंटेंस है My father advised me to buy a car. अच्छा, नेक्स्ट वर्ड भी कुछ ऐसा ही है, एंड दैट वर्ड इज अफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, एंड इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। चलिए इसे समझते हैं सेंटेंसेस के थ्रू। ड्रिंकिंग अफेक्ट्स आवर हेल्थ बैडली। इसी तरीके से हम इफेक्ट का सेंटेंस देखते हैं, माई एडवाइस हैड No effect on him. मुझे पता है इन दोनों वर्ड्स को लेकर हमारे व्यूअर्स में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कंफ्यूजन होगी, बिकॉज सब लोगों को यही लगता है कि अफेक्ट एंड इफेक्ट इज द सेम वर्ड। जब भी वो लिखते हैं या जब भी वो अपने इंग्लिश में लोगों को अपने फीलिंग्स को बयान करते हैं, तो उनको ये समझ में नहीं लगता कि वो अफेक्ट लगाए या इफेक्ट लगाए, एंड जो उनके माइंड में रेंडमली आता है बस वही वर्ड को बोल जाते हैं। So this is actually bad, this is actually wrong, ऐसा नहीं होना चाहिए। That is why I am here to like you know to make your confusion away, कि आपकी confusion दूर हो जाए। I think आपको समझ आ गया होगा कि affect और effect में फर्क क्या है। Affect होता है प्रभाव डालना और effect होता है प्रभाव। Now we have opposite and apposite. Opposite का मतलब आप सब लोग जानते ही होंगे, जिसका मतलब होता है विरुद्ध या फिर सामने। जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड का घर मेरे घर के बिल्कुल सामने है, सो मैं कैसे बोलूंगी? आई विल स्पीक लाइक दिस, द हाउस ऑफ माय फ्रेंड इज ऑपोजिट टू माइन। इसी तरीके से सेकंड वर्ड है एपोजिट। इसमें स्पेलिंग में फर्क है APOSITE, जिसका मतलब होता है योग्य या फिर काबिल। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इस जॉब को करने के लिए काबिल हूँ, आई एम एपोजिट टू डू दिस जॉब। मैंने एक्चुअली वेदर फोरकास्ट चेक कर रही थी, बिकॉज आई हैव एन इम्पोर्टेंट वर्क टुमारो, एंड वेदर फोरकास्ट इज टेलिंग कि कल मौसम सच में खराब होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी अ हैवी रेनफॉल टुमारो। और साथ ही साथ मैंने अपनी फ्रेंड को भी मैसेज करना था, बिकॉज उसको भी कल इम्पोर्टेंट वर्क था, मैंने उसको ये बताना था कि कल मौसम। मैं एक बात में कंफ्यूज हूँ कि मैं वेदर की स्पेलिंग क्या लिखूँ, लाइक W
वेदर और वेदर के सने में, तो जरिए मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करती हूँ। सबसे पहला वेदर है WEATHER। इस वेदर का मतलब होता है मौसम। जैसे कि हम बताना चाहते हैं कि कल मौसम खराब होने वाला है, टुमारो द वेदर इज गोइंग टू बी बैड। और सेकेंड वेदर जिसका स्पेलिंग है WHETHER, इसका मतलब होता है या तो ये, मतलब कि मैं क्या चूज करूँ, या तो रेड ड्रेस चूज करूँ या फिर ब्लैक ड्रेस चूज करूँ। इट्स योर चॉइस वेदर यू वॉन्ट टू वेयर रेड ड्रेस और ब्लैक ड्रेस। मुझे कमेंट में ये चीज जरूर बताएं इस वीडियो के बारे में कि जिन वर्ड्स में आप कंफ्यूज थे पहले, मतलब